हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? ओप ऑल यू आर फाइन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 21, इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारी भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। नेम द मेजर लैंग्वेजेस दैट मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक इन द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये प्रमुख भाषा हैं जो ज्यादातर लोग बाग क्या एक दूसरे से आपस में बोलते हैं, और कुछ उनके केंद्र शासित क्या है प्रदेश भी हैं। अब जैसे फर्स्ट है, इनमें दे रखा है और इनकी आपको वो बतानी है कि कौन सी भाषाएं बोली जाती है। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो इसमें कौन सी जो लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली। इन सब में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। एक बार फिर मैं स्पेलिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। ANDAMAN अंडमान, एंड NICOBAR निकोबार, अंडमान निकोबार। ISLAND आइसलैंड। सेकंड है ARUNACHAL अरुणाचल, PRADESH प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड नेक्स्ट है नागालैंड, NAGALAND नागालैंड। इन सब में बंगाली बोली जाती है। मिजोरम MIZORAM मिजोरम, त्रिपुरा TRIPURA त्रिपुरा, MEGHALAY मेघालय, और WEST वेस्ट, BENGAL बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इन सब में बंगाली क्या होती भाषा बोली जाती है, इन सब में क्या होती है बंगाली भाषा बोली जाती है। अब सेकंड, अब ये है स्टेट्स हैं, और ये इनमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वो है। जैसे इंडिया है, इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, HIMACHAL हिमाचल, PRADESH प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। UTTARAKATND उत्तराखंड, UTTAR उत्तर, PRADESH प्रदेश उत्तर प्रदेश। HARYANA हरियाणा, RAJASTHAN राजस्थान, MADHYA मध्य, PRADESH प्रदेश। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, CHATTISGARH छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है बिहार, BIHAR बिहार। झारखंड, JHAR झार, KHANDI खंड झारखंड। और है दिल्ली, DELHI दिल्ली। अब इनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। इन सब में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली, इन सब में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है थर्ड, DADRA दादरा, NAGAR नागर, HAVELI हवेली, दादरा एंड नागर हवेली। DAMN दमन एंड दीव, DIU GUJARAT गुजरात। अब इन सब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। दमन दीव गुजरात, दादरा नागर हवेली है, इन सब में गुजराती बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर नंबर, LAKSHA DEEP लक्षद्वीप, ISLANDS आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, केरला, KERALA।
इन सब में जो लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम बोली जाती है। MALAYALAM मलयालम ये भाषा बोली जाती है इनमें। नेक्स्ट है, अगर आपके पास में वो है बुक वगैरह है अभी और पेंसिल है तो आप हैंड टू हैंड बुक में लिख सकते हैं। स्पेलिंग मैं अभी आपको लिखवाऊंगी बोर्ड पे भी, तो आपको नीचे जो ब्लैंक है स्पेस दिया हुआ है वहां पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर, तमिलनाडु, TAMIL तमिल, NED नाडु, PUDUCHEERR पुडुचेरी। इसमें इन सब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी उधर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल। नेक्स्ट है 6, JAMMU जम्मू एंड KASHMIR कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब उसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी, KASHMIRI कश्मीरी, तो कश्मीरी बोली जाती है। पंजाब, PUNJAB पंजाब, पंजाब में उधर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। नेक्स्ट है 8, सिक्किम, SIKKIM सिक्किम, उस साइड में कौन सी भाषा, ये भी भारत में ही है, कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली। सिक्किम 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 है उसमें नेपाली बोली जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर, मणिपुर, MANIPUR मणिपुर, और उधर भाषा बोली जाती है मणिपुरी, MANIPURI मणिपुरी। उसके बाद है 10 नंबर, ओडिशा, ODISHA उड़ीसा, और उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है उधर, ओरिया, ORI। नेक्स्ट है 11, आसाम, AASSAM आसाम में, इसमें बोलती है आसामी लैंग्वेज बोली जाती है, ASSAMESE। नेक्स्ट है 12 नंबर, गोवा, गोवा में कोंकानी, KONKANI कोंकानी भाषा बोली जाती है, गोवा में कोंकानी भाषा बोली जाती है। उसके बाद है 13 नंबर, कर्नाटका, KARNATA कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़, KANNADA। नेक्स्ट है 14 नंबर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में MAHARSTRA महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु, तेलुगु, TELUGU तेलुगु क्या होती है, भाषा बोली जाती है। अब आपको इसको बोर्ड पे कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। एक साइड, इस साइड आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लिखनी है और इस साइड आपको लिखनी है लैंग्वेजेस। जैसे ये है फर्स्ट नंबर, अंडमान निकोबार आइसलैंड, एक एक ही लिख के फिर रब कर दूंगी ताकि आप अच्छे से बोर्ड से देख के बुक में भी लिख सकते हैं। इसमें बंगाली, ठीक है, ये कौन, ये लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली। और जैसे और भी इसमें दे रखे हैं सब, अरुणाचल प्रदेश, मैं लिख रही हूँ एक साथ बता दूंगी कौन सी लैंग्वेज बोल जाती है, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय,
वेस्ट बंगाल। इन सब में बोली जाती है बंगाली, BENGALI। अब इन सब जी लैंग्वेज लिखी हुई है, इन सब के नीचे आपको जो स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक जगह दी हुई है, उसमें आपको बंगाली लिखनी है, BENGALI। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सब फर्स्ट है। फर्स्ट के आगे आपको नीचे की साइड में जो ब्लैंक जगह दी हुई है वहां ये बंगाली लिखना है। नेक्स्ट सेकंड है, एक एक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपको सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, एंड दिल्ली। इन सब में हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, और उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब उसी टाइप से नेक्स्ट है, थर्ड नंबर, मैं आपको बोर्ड पे इसलिए करवा दूं ताकि आप अच्छे से बुक में मार्क कर सकते हैं, और आप कॉपी में करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है दादरा, एंड नागर हवेली, HLDEI हवेली, दमन एंड दीव, एंड बेटा सबको समझ में अब नेक्स्ट है फोर नंबर है तमिलनाडु और पुडुचेरी।
से पता चल जाएगा इसमें कौन से नेवी रूल कैसे है, तमिल नेक्स्ट है 6 नंबर।
करना है और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारे लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इसमें कौन सी बोली जाती है? बंगाली। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और जयपुर, इनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। समझ में आ रहा है बेटा सबको? आ रही है ज्योति, मानसिकला और भी? समझ में आ रहा है बेटा? वीरेंद्र, यस। नेक्स्ट है थर्ड नंबर दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात, इनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। नेक्स्ट है तमिलनाडु और पुडुचेरी, इनमें बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कश्मीरी बोली। पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। सिक्किम, सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। उसके बाद नाइन नंबर है मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद टेन नंबर है उड़ीसा, उसमें ओरिया, ओरिया भाषा बोली जाती है। उसके बाद है आसाम, आसाम में आसामीज बोली जाती है। नेक्स्ट है गोवा, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी भाषा। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। अब उसके बाद में देखो ये नीचे और भी ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है, आपको एक बार मैं बता देती हूँ आपको कॉपी में वर्क कैसे करना है। आज की डेट मेंशन करनी है 7, आज की डेट मेंशन करनी है, चैप्टर नंबर एंड देन चैप्टर नेम, इंडियन लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद में आपको आपको ये सारे स्टेट्स लिखने हैं और यूनियन टेरिटरीज लिखनी है एक साइड, और एक साइड आपको लिखना है इनकी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना लिखनी है कॉपी। और आज की डेट में ही वर्क करना है, डेली वर्क करना है, आपका वर्क होगा आपको वर्क डेली टोटल
फर्स्ट नेम लिख दिया और उसके सामने आप उसकी लैंग्वेज लिख दिया। आपको जितने जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो आपको लिखना है, डेली वर्क करना है आपको, ये नहीं कि आगे पीछे ऐसे नहीं करना है। और डेट जिस दिन करवाया जाता है उसी दिन उस दिन की डेट होनी चाहिए सेंड, डेली करना है। 4 लाइन्स की कॉपी में बन सकें।